तो भाई साहब, लास्ट वीडियो में हमने जेब्रोनिक्स के इस वाले माउस का रिव्यू किया था और आपके काफी सारे कमेंट आए थे कि इससे थोड़ा सा ऊपर बजट में आप हमें बेस्ट गेमिंग माउस का रिव्यू लाके दीजिए। तो आज इस वीडियो में हमारे पास रेड गियर का A15 फुली कस्टमाइजेबल फुली सॉफ्टवेयर सपोर्ट वाला प्रीमियम गेमिंग RGB माउस है विद मिलिट्री ग्रेड सेंसर, गेमिंग सेंसर। मतलब इसकी लाइटिंग वाइटिंग सब हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। और प्राइस वगैरह की बात करेंगे, सबसे पहले बॉक्स ओपन कर लेते हैं। और भाई, कुछ इस टाइप का बॉक्स मिल जाता है आपको इस माउस का, और क्या रद्दी पैकेजिंग में ये मेरे पास आया था। मैंने इसे मुंह से हवा भर भर के फुलाया है ताकि अनबॉक्सिंग कर सकूं। बॉक्स के अंदर कोई यूजर मैनुअल वगैरह नहीं है, ऑल्दो इन्होंने लिख रखा है कि इसके अंदर यूजर मैनुअल होनी चाहिए। खैर, नेक्स्ट हमको मिलता है अपना RGB गेमिंग माउस सफेद चादर में लिपटा हुआ, सफेद थर्माकोल शीट के अंदर लिपटा हुआ, और फील तो बढ़िया है बॉस। बाकी आप ये देखो फर्स्ट लुक AG स्टाइल में। स्पेक्स तो काफी तगड़ी हैं यार इस माउस की। इसमें 6400 तक की DPI स्पीड मिलती है। अभी आप इसे बढ़ा भी सकते हो, आगे मैं बताऊंगा कैसे। और आपको मल्टी कलर RGB का सपोर्ट मिलता है विद फुल सॉफ्टवेयर सपोर्ट। इसमें 7 बटन लेआउट मिलता है आपको, ब्रेडेड केबल मिलती है, और इस प्राइस पॉइंट पर आप इससे ज्यादा एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हो। अब इस माउस में आपको एक ब्रेडेड केबल देखने को मिलती है। केबल क्वालिटी काफी अच्छी है, मतलब ड्यूरेबल केबल है। और इसके साथ साथ इसमें आपको USB पोर्ट भी काफी अच्छा मिलता है। गोल्ड प्लेटेड वाला नहीं है, लेकिन काफी अच्छा USB पोर्ट आपको देखने को मिलता है। वैसे अगर आप इस माउस को बाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी बेस्ट बाई लिंक मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसके फिजिकल डिजाइन की। तो सबसे पहले बटन से स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको नॉर्मल बटन के साथ साथ दो डेडिकेटेड फॉरवर्ड और बैकवर्ड की बटन देखने मिलती है, और इसके साथ साथ आपको DPI प्लस माइनस की डेडिकेटेड बटन देखने को मिलती है। और डिजाइन की तो क्या ही कहें यार, मतलब आधा मधुमक्खी का छत्ता, सेमी हनीकॉम्ब डिजाइन। वैसे डिजाइन अच्छा है। वैसे इस माउस में लाइटें वाइटें भी बढ़िया मिल जाती हैं अपने को, क्योंकि मल्टीपल RGB सपोर्ट है विद सॉफ्टवेयर कंट्रोल, तो कोई दिक्कत नहीं आती। अब सॉफ्टवेयर की बात आई है तो हम इसका भी इंटरफेस देख लेते हैं। वैसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। वैसे आप बॉक्स पर लिखी साइट पर जाकर भी ड्राइवर को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें एक बात को ध्यान रखिएगा, इसमें ऊपर वाला ड्राइवर वर्क नहीं करता है, तो आपको नीचे वाले ड्राइवर को डाउनलोड करना है। अब यहाँ ढेर सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें ऑफिस मोड, गेमिंग मोड वगैरह का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो ऑफिस मोड में और गेमिंग मोड में इस माउस के बटन को आप कस्टमाइज कर सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। लाइट टैब के अंदर आपको RGB कंट्रोल का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो। और इसके साथ इसमें 6 RGB मोड्स दिए गए हैं, एक ऑफ का बटन दिया गया है। उसके नीचे RGB लाइट्स की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए आपको एक कर्सर मिलता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज कर सकते हो। अब इस माउस के कीज के कुछ अपने शॉर्टकट्स भी हैं। जैसे आप लेफ्ट की के साथ DPI डाउन बटन को प्रेस करेंगे तो मोनो लाइटिंग मोड स्विच हो जाता है, और नेक्स्ट अगर आप स्क्रॉल बटन के साथ DPI अप बटन प्रेस करते हैं तो लाइटिंग इफेक्ट्स ऑफ हो जाते हैं। और इसके बाद आता है एडवांस मोड। इसमें दुनिया भर के ऑप्शंस दे रखे हैं। लेफ्ट साइड में आप रोलिंग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, डबल क्लिक स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपको इस टाइप के कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। राइट साइड में आप DPI से रिलेटेड सेटिंग्स कर सकते हैं, और इसमें आप देख रहे होंगे मैक्सिमम आपको 6400 DPI तक का ऑप्शन देखने को मिलता है। अब इसे बढ़ाना कैसे है, तो आप इसके कर्सर को थोड़ा सा और बाहर की तरफ लेके जाएंगे तो ये 8000 DPI मोड पर स्विच हो जाता है। अब हुआ ना गेमिंग माउस। और डिफरेंट DPI ऑप्शंस के सामने आपको इनके कलर सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है, तो आप इनके डिफरेंट कलर स्विच कर सकते हैं। अगर आप DPI को चेंज करेंगे तो सेम कलर माउस में आपको दिखाई देगा। और इसी सॉफ्टवेयर के अंदर आपको मैक्रो वगैरह असाइन करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो आप लूप वगैरह अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। अब थोड़ा गेमिंग शेविंग की बात कर लेते हैं, जिसके लिए आप ये माउस परचेज करने वाले हो। तो काफी देर गेम प्ले करने के बाद मुझे माउस काफी अच्छा लगा है, क्योंकि DPI स्पीड काफी ज्यादा है, तो आपको काफी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है इसके अंदर। और 8000 DPI पर तो मक्खन है बॉस। काफी अच्छी कर्सर स्पीड देखने को मिलती है, तो आप माइनक्राफ्ट वगैरह भी खेल सकते हो इसके अंदर। अब इस माउस के अंदर 125 हर्ट्ज का रिस्पांस रेट मेंशन है, मतलब पोलिंग रेट भी काफी अच्छा है। जिन्हें पोलिंग रेट पता नहीं है, जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा होता है, लेकिन ज्यादा पोलिंग रेट आपको महंगे डिवाइसेस के अंदर देखने को मिलता है। और इस प्राइस के अकॉर्डिंग इसका पोलिंग रेट काफी ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब इस माउस की प्राइस की बात करें तो नॉर्मल डेज में ये माउस 450-600 के आसपास देखने को मिलता है, और अगर आपकी किस्मत ज्यादा ही अच्छी है मेरे जैसे तो। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक कंपैरिजन वीडियो लाएंगे सेम इसी माउस का किसी दूसरे माउस के साथ, और उसके पहले इस चैनल पर एक बहुत अच्छी वीडियो अपलोड होने वाली है लैपटॉप यूजर्स के लिए, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस। बाकी नीचे कमेंट करके बताना यार कैसा लगा माउस आपको, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इस टाइप के कॉन्टेंट को बनाने में, और अगर आपका बजट इस माउस से थोड़ा सा कम है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।